भाई मेरी टाटा कर्व को ऑलमोस्ट 5 डेज हो चुके हैं। 5 डेज में मैंने 2-3 वीडियोज़ ऑलरेडी कर दी हैं, आपने देखी भी होगी। पहले मैंने इसके गुड पॉइंट्स बताए कि भाई गुड पॉइंट्स क्या है, मुझे प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि कर्व मैं ये वाला वेरिएंट नहीं लेने वाला था, कोई और लेने वाला था, फिर ये खरीदनी पड़ी। तो वो वीडियो आई बटन में, वहाँ पे आप देख सकते हो। आज ना 5 दिन में मुझे क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स लगी वो मैं सीधा सीधा बताऊंगा, सीधा पॉइंटर बेस वीडियो होगी, 5 कमियाँ बताने वाला हूँ। तो अगर आप कर्व खरीदने वाले हो या इस सेगमेंट की गाड़ी खरीदने वाले हो, इवन टाटा की कोई भी गाड़ी खरीदने वाले हो, तो शायद आपकी वीडियो ये काम की होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। कर्व से रिलेटेड और आपको कौन सी वीडियोस चाहिए, क्या क्या देखना चाहते हो, क्या क्या आपको जानना है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे। देखो पहली सबसे बड़ी कमी मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो वीडियो बनाने से पहले इसीलिए मैंने गाड़ी को वॉश नहीं करवाया है, क्योंकि मुझे ये चीज़ आपको दिखानी थी। वो ये है कि आप देखो, ये जो पियानो क्लैडिंग टाटा ने दे दी, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, है ना, देखने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें मड उड़ के लगता है, या मतलब बहुत ही अजीब गंदा दिखता है। अब आप देखो ये, है ना, मतलब ये कल मेरी गाड़ी वॉश हुई थी, घर में आता है, वॉश करके जाता है, क्लीन करके जाता है, हर दिन की कहानी यही है कि रात में पूरा यहाँ पर ऐसा मड लग जाता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं मडी रोड में चलाता हूँ, टायर आपको देख के लग रहा होगा, तो ये है कहानी। और ये बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, पियानो क्लैडिंग के वजह से ज़्यादा विजिबल है, थोड़ा सा अजीब लगता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मतलब आपको डेली डेली ये है कि इसमें हाथ पैर मारने पड़ेंगे, मतलब कपड़ा मारना पड़ेगा। मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि डिज़ाइन के वजह से यहाँ पे ज़्यादा ऐसे स्लोपी है, अगर आप नेक्सॉन में देखोगे तो ऐसे टाइप की डिज़ाइन है, इसमें क्या ऐसे है, तो इसकी वजह से भी हो रहा है ज़्यादा कि उछल के यहाँ पे टायर का पूरा मड आ रहा है, मड फ्लैप लगने के बाद भी ये कहानी है। दूसरी चीज़ दिखाओ, ये बहुत अजीब चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखो, गाड़ी पूरी साफ़ है, कोई भी डस्ट मड कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, है ना। लेकिन अब आपको डोर खोल के दिखाता हूँ, ये आप देखो, ये डोर के देखो पूरा यहाँ पे मड डिपॉजिट हो रहा है। रीज़न ये है कि जैसे अभी नेक्सॉन भी बगल में खड़ी है, उसमें भी चेक कराऊंगा, इसमें क्या है कि जो डोर पूरे हैं ना यहाँ तक बंद हो रहे हैं, मतलब ये पूरा क्लैडिंग है, यहाँ तक पूरा बंद हो रहा है, यहाँ पे कोई अलग से सपोर्ट नहीं लगा हुआ है, क्लैडिंग ही पूरे इसमें मतलब जो है डोर में लगी हुई है, जिसकी वजह से पूरा गंदा हो जाता है। एक बार आप ध्यान दो, ये देखो कितना गंदा दिख रहा है, नेक्सॉन में दिखा देता हूँ, यहाँ बगल में ही है भाई, ये आप देखिए, इसमें क्या है, जो क्लैडिंग है वो बाहर है, डोर अलग है, ये आप देखो इसमें कुछ भी नहीं है, है ना, क्योंकि क्लैडिंग इसी में है, उसमें क्लैडिंग डोर पे ही फंसाई गई है, जिसकी वजह से ये कमी है। तो ये एक कमी जो कि मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं है, अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है भाई बॉडी रोल का। अब देखो बॉडी रोल इसमें सच में है, इवन मैं बोलूँगा नेक्सॉन से ज़्यादा है, आप एक बार टेस्ट ड्राइव लेना तब आपको समझ आएगा। बॉडी रोल होने का रीज़न ये है कि पहला तो भैया इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 208 mm का, इवन आप स्कॉर्पियो या एन या इन सबको भी देखोगे तो उनसे भी ज़्यादा है, क्रेटा सेल्टॉस इनसे तो ज़्यादा है ही। तो 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से थोड़ा सा इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर हो जाता है। और दूसरी चीज़, क्योंकि कूपे डिज़ाइन की गाड़ी है तो जो वेट है वो पीछे साइड भी ज़्यादा है, इसकी वजह से भी बॉडी रोल आपको फील होता है। जब आप कॉर्नर्स लेते हो तो आपको हैवी बॉडी रोल फील होगा, जैसे मैं सेडान चलाता था तो मुझे तो ज़्यादा फील हो रहा है, मे बी एसयूवी वालों को थोड़ा सा कम समझ आएगा, बट हाँ एक्चुअल में बॉडी रोल है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तीसरी कमी मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखो ये है, पास आ जाइए, यहाँ पे दिखा, देखिए ये जो पिलर है ना, ये गाड़ी को पूरा एक सॉलिड क्या बोल सकते हो, इसकी बिल्ड क्वालिटी देता है, लेकिन ये पिलर ना आपको दिक्कत करेंगे जब आप चलाओगे इसको, तो थोड़ा सा विज़न ब्लॉक करते हैं। अब कैसे ब्लॉक करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत थिक पिलर है, जिसकी वजह से होता यह है कि जब मैं आगे देखता हूँ तो ठीक है, अगर कोई बंदा इधर से आ रहा है तो मुझे इधर से देखना पड़ता है, तो जब आप इसको ड्राइव करोगे तो ये पिलर की वजह से आपको बार बार या तो फ्रंट में या इधर देखना पड़ेगा, और ये सच में काफ़ी थिक पिलर है। अगर आप नेक्सॉन या नेक्सॉन के यूज़र होगे तो शायद आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि उनके लिए कॉमन है, बट हाँ जैसे मैं हुंडा में चला रहा था, कोई सी भी आप दूसरी गाड़ी चलाओगे जिसमें कम ये वाला पिलर की थिकनेस होता है तो आपको प्रॉब्लम लगेगी, तो ये थिकनेस है। अब देखो ये ऐसी प्रॉब्लम है ना कि जब आप गाड़ी खरीद लोगे तो यूज़ टू हो जाओगे, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं करेगी, बट इनिशियली आपको पता होना चाहिए ये प्रॉब्लम है। चौथी प्रॉब्लम है भाई गियर बॉक्स की। अब गियर बॉक्स का तो मैं आपको क्या ही बताऊं, नॉर्मली तो ठीक है, मतलब मैं मैनेज कर सकता हूं, बट इसका जो रिवर्स गियर है बहुत ही ज़्यादा नॉची है। जैसे आप लगाओगे, पहले तो ये ऐसे आप लगाओगे, ठीक है, तो कभी कभी ये अटकते हैं, नॉची भी हैं, फर्स्ट गियर कभी कभी नॉची है ना। तो गियर बॉक्स भाई मैं बोलूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि सेगमेंट में सबसे बेकार गियर बॉक्स इसी इंजन में आ रहा है, तो ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। गियर बॉक्स में थोड़ा सा और अच्छा काम किया जा सकता था। पांचवी प्रॉब्लम वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है, थोड़ा सा पास आइए, कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, इधर से दिखाइए कि ये ना ये जो पार्ट है, ये जो पूरा डैशबोर्ड का ये सेंटर कंसोल, ये ज़्यादा ही बाहर निकला हुआ है ऐसे, ठीक है,
तो ये ना मेरे पैर में यहाँ पे टच होता है, जब मैं इसको रेस्ट के लिए पैर रखता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा थोड़ा टच होता है। अब मैंने वीडियो जब मैं ड्राइव रिव्यू कर रहा था तब भी मैंने ये प्रॉब्लम डिस्कस करी थी, तो लोगों को लगा कि मैं बहुत आगे बैठा हूँ, मे बी इसकी वजह से हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। मैंने अब तो मैं यूज़ टू हो चुका हूँ 300 किलोमीटर चलने वाली है, बट आपको जैसे मान लो आप ऐसे चला रहे हो, रेस्ट करते हो, तो ये देखो पूरा ऐसा लगता है। अभी तो सीट बहुत पीछे है मेरे, मतलब पीछे है। अगर मैं अपने ड्राइविंग पोजीशन में आता हूँ, जो कि मैं ऐसे बैठता हूँ थोड़ा एसयूवी स्टांस के लिए, तो ये जो है टच होने लगते हैं। ये आप देखो, मतलब बहुत ही कम स्पेस है। हालांकि अगर आप सफारी हैरियर से कंपेयर करोगे तो ज़्यादा स्पेस है, बट नॉर्मल दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भी आपको स्पेस की कमी लग सकती है। हाँ, एक और प्रॉब्लम जो कि मैंने फील करी है, मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि ये जो वाइपर है ना, वाइपर की पूरी ब्लेड, इवन पूरा वाइपर का जो ये पार्ट है, ये आपको देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना ये ग्लास एरिया में आ रहा है। अब ये वैसे आपको बाहर से अजीब नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको एक बार पता चल गया कि ये कांच पे रखा हुआ है, ग्लास पे रखा हुआ है, तो जब आप ड्राइव करोगे तो ये आपको बार बार दिखेगा, और दिखने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने वाली है। अब मुझे देखो, जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा, क्योंकि भाई मेरे पास टाटा गाड़ी तो है नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा जो वाइपर है इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं इसको नीचे करने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने ये मेरे दोस्त की एक नेक्सॉन खड़ी है, ये देखो उसमें भी सेम, तब मुझे लगा भाई ये टाटा की सारी गाड़ियों में ये है। फिर मैंने एक दूसरी कर्व में भी चेक करा तो सेम ऐसा ही था, तो भैया हाँ ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा कोई विज़न ब्लॉक नहीं करता है, बट आपको ये दिखेगा जब आप ड्राइव करोगे, तो थोड़ा बहुत आपको इस कॉर्नर पे दिखेगा, तो पता होना चाहिए आपको। भाई ये है इनिशियल प्रॉब्लम, जो कि मुझे अभी 5-6 दिन में पता चली है, बाकी लॉन्ग टर्म में जब चलेगी गाड़ी तो और कुछ समझ आएगा तो आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इसमें से कौन सी कमी आपको, अगर आपने इसकी टेस्ट ड्राइव ली है तो आपको फील हुई है, वो मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। गाड़ी कैसी लग रही है बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। और भाई ये ब्लू कलर आपको कैसा लगा? भाई आपको बताऊँ, ये ब्लू कलर है, बट मैं अभी 100 मीटर दूर से देख रहा था तो पूरी ब्लैक लग रही थी। तो दो कैरेक्टर हैं इस कलर के, नॉर्मल ब्लू दिखती है, दूर से देखोगे तो ब्लैक दिखती है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।